अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरे साथ अंकुर भाई। तो अंकुर भाई बताएं, आज हम कहां पे आए हैं? आज हम बेसिकली दुबई की सबसे बड़ी शारजा की सबसे बड़ी लैपटॉप मार्केट के अंदर हैं, जहां से पूरी दुनिया के अंदर लैपटॉप सप्लाई होता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया, यहां से कंटेनर और शिपमेंट लेके जाते हैं। हमने बैटरी लेनी थी लैपटॉप के लिए, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी एक विजिट टूर दिया जाए साथ। और हमारे साथ शिदेव भाई हैं। शिदेव भाई, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये लैपटॉप से भरी मार्केट है सारी। तो आज आपको विजिट करवाते हैं सारा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर जहाँ से भी लैपटॉप्स निकलते हैं इसी मार्केट में आते हैं, और यही मार्केट है जो पूरी दुनिया के आगे अंदर सप्लाई करती है। तो इन्होंने ही सप्लाई करते हैं आगे। ये कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ये रेस्टोरेंट है, ये इर्द गिर्द हमारी हर जगह यही मार्केट है सेम। तो ये देखें, यहाँ पे मोबाइल्स भी मिलते हैं, लाइक सस्ते मोबाइल जो कि फैक्ट्री आउटलेट से निकल के आए होते हैं, अनरजिस्टर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। हर तरह की चीज़ यहाँ से मिलती है। दूर भाई, क्रॉसिंग उधर है, इधर आए, आपको थोड़ा सा और निज़ाम दिखाते हैं। छोटी सी मोबाइल मार्केट भी है यहाँ ना, तो यहाँ पे आपको ना छोटे छोटे निज़ाम बताते हैं कि यूएई में कैसे आपने रोड क्रॉस करना है। इनका सिस्टम बहुत अच्छा है, लाइक मैं रैंडमली किसी भी जगह से हम रोड नहीं क्रॉस कर सकते, ये फेंस लगे हुए हैं रोड के दरमियान, क्रॉसिंग के ऊपर से गुजरना है। और अगर क्रॉसिंग के ऊपर से गुजरते हुए आपको कोई गाड़ी हिट कर देती है, तो वो गाड़ी वाले को पे करना पड़ेगा हर एक चीज़ आपकी। तो ये देख सकते हैं लोग खड़े हैं। बताएं इनको कि यहां से जो है ना विदाउट एनी मतलब ग्रीन सिग्नल से हम पास करते हैं ना, तो साथ ही हमारा ऑटोमेटिकली फाइन लगेगा और फाइन हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे एक और बड़ी मजे की चीज़ है, यहाँ पे हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, पैदल चलने वाले को भी फाइन होता है। अभी जैसे वो देखें, ये वॉक का आ रहा है कैमरा ऑप्शन, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर ये ना होगा तो हम नहीं कर सकते, अभी हम जा सकते हैं। ये देखें ट्रैफिक खड़ी है और बेफिक्र हो गए, ये पाकिस्तान नहीं है जिसके जरा डर होगा रोड के ऊपर, हम इजीली जा सकते हैं। और इस क्रॉसिंग के अलावा अगर कहीं से हमें क्रॉस करते हुए गाड़ी हिट कर देती है, तो उसमें हमारी गलती है, हमें उसका गाड़ी को भी पे करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से ये सारी की सारी मार्केट, ये सारी की सारी मार्केट, सारी की सारी मार्केट सारी लैपटॉप यहाँ से आगे लेके चले, मतलब किलोमीटर टू से 3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट राइट अगर आप देखें, सारी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, सारी मार्केट है। इनके बैक एंड पे सारे वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे बल्क के अंदर हजार पीसेज लैपटॉप का अवेलेबल खुला हुआ है। ठीक है, चले आपको विजिट करवाते हैं, मैकबुक का पता करते हैं जाकर, मैकबुक का पता करते हैं M2, वो यहाँ से मिलती है। शिदेव भाई, आपने भी यहाँ से लैपटॉप लिया था ना, क्या कोर्स पड़ी थी आपको? जान तो याद नहीं है मेरे हाल में। ये देखें, ये लेटर बॉक्स है, ये इसका लेटर बॉक्स है। यहाँ पे हर एक शॉप वाले को अपना अपना एक लेटर बॉक्स मिला हुआ है, यहाँ पे उनके लेटर्स वगैरह पोस्ट से आते हैं और उनके बॉक्सेस के अंदर रख देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे लोड पड़ी हुई है, यहाँ पे सबसे पहले पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले इसी जगह पे आते हैं, लैपटॉप्स ही लैपटॉप्स हैं। और ये मोहसिन भाई हैं हमारे साथ, और हम मोहम्मद मोहसिन शॉप में खड़े हैं। थैंक यू मोहसिन भाई हमें चांस देने के लिए। तो तुहर भाई ये चेक करें जरा, कम से कम 200-300 पीस तो पड़ा होगा ना ये ऑलमोस्ट। अभी तो इनका वेयर हाउस है पीछे, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े वेयर हाउसेज हैं इनके पास, पूरी दुनिया में सप्लाई देनी होती है उन्हें। तो देखें कोई भी लैपटॉप, मैकबुक की तलाश में निकले थे लेकिन मैकबुक अभी तक मिल नहीं रही है, इन भाई ने रिकमेंड किया कि सामने रोड से क्रॉस करना है, हाँ। उसके बाद जा रहे हैं। इसमें से कोई भी एक लैपटॉप चेक करें, स्पेक्स क्या है इनके? ये मेरे ख्याल है सिंपल बेसिक ही है, मतलब वर्क स्टेशंस हैं, लाइक पीसी वर्क स्टेशन, ऑफिस वर्क स्टेशंस। ठीक है, तो मोहसिन भाई कोई लैपटॉप जो चल रहा हो आपके पास, कोई स्पेक्स वगैरह चेक करने के लिए? 1656 है सारे। और जनरेशन? 8th जनरेशन। और इसकी प्राइस क्या होगी? ये 1050 में। तो यही जो लैपटॉप आपको पाकिस्तान में मिलना है राउंड अबाउट 1,50,000 के राउंड मिलना है यहाँ पे 1050। और
मोहसिन भाई कोई इसमें डिस्काउंट? 1030 दिरहम। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। तो ये हमें 1030 दिरहम के, ओके वहाँ पे भी चलते हैं। तो ये मतलब राउंड अबाउट कोस्ट में नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान की अगर देखी जाए तो 75,000। ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है कि सिंपल सी शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पीछे वेयर हाउसेज हैं जहाँ से स्टॉक उठाते हैं 500 पीसेस 1000 पीसेस और यहाँ से फिर कंटेनर में शिप करते हैं लाहौर कराची। इन सारा जो स्टॉक आ रहा है यहीं इन्हीं एरिया से जाके स्टॉक हमारा लेके जा रहे हैं। और इनको एक और चीज़ बताते चले कि ये यहाँ पे सबसे चीपेस्ट माल मिलता है पूरी दुनिया का। लाइक ये सबसे फर्स्ट पार्टी है जिसने पूरी दुनिया में सप्लाई देनी है, फिर आगे जैसे जैसे वो कंटेनर पाकिस्तान में उतरना है तो कराची के अंदर उतरा है तो कराची के सप्लायर्स ने अपना कमीशन रखना है, वो लाहौर में उतरा है तो लाहौर के सप्लायर्स ने अपना कमीशन रखना है, फिर वो छोटी छोटी शॉप्स पर आना है रिटेलर्स के पास। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ से निकलनी है इस लैपटॉप की कॉस्ट थी ऑलमोस्ट, ये मोहसिन मोबाइल है, मोहसिन लैपटॉप मोहम्मद मोहसिन। तो ये है GNP बिल्डिंग्स, GNP मार्केट का नाम है। तो ये लैपटॉप की प्राइस ऑलमोस्ट 75,000 यहाँ पे मिल रही है जो कि पाकिस्तान में 1.5 लाख है। तो चले आए मैकबुक प्रो के लिए, हम चलते हैं आगे क्रॉस करते हुए। अच्छा तो गुरु भाई ये है लैपटॉप HP Horizon 7 8th जनरेशन। तो ये भी हम खड़े हैं इस टाइम ट्रेडिंग LLC सही, ठीक है। तो इसके स्पेक्स चेक करते हैं, क्या स्पेक्स हैं इसके। एट जनरेशन कितने का, क्या प्राइस उसकी बता रहे हैं? ब्रदर प्राइस कैसे? एट हंड्रेड में जनरेशन 8 है, कोर i7 है, तो 800 में ये कह रहे हैं। और ये वर्किंग के लिए बेस्ट PC है, जबरदस्त। और इसकी कंडीशन देखिए जरा आप, तो भाई ये कंडीशन दिखाया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन HP का और बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ठीक है। और यही चीज अगर आप पाकिस्तान में ढूंढेंगे तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कितने की मिलेगी आपको ऐसी। तो इस टाइम स्पेशली 7-8 बजे का टाइम हो रहा है, जितने भी लोग हैं वापस आ रहे हैं जॉब से, और हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में है बेसिकली, सारा जो है ना ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और कारों की फैक्ट्रीज कार शॉप्स हैं, ये इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये लैपटॉप शॉप्स हैं, यहाँ पे सारे वेयर हाउसेज हैं, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें सारे यहाँ पे, ये मुझे लग रही है मैकबुक्स, ये आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से पता करते हैं चलें। तो ये इस टाइम हम खड़े हैं वन टच, ये शॉप का नाम है, और यहाँ पे सबसे लेटेस्ट मैक्स मिलते हैं GNP में, लेटेस्ट मैक्स सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलेंगे आपको। तूर भाई ये जो आपने पकड़ा हुआ इसके स्पेक्स बताइएगा जरा। ये कोर i7 है और 32 GB है और इसके अंदर 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स लगा हुआ, उसी में चेक करो 2017 मॉडल है, 2018 है, ऐसे जरा चेक करो जरा दिखाइए। एट और इसका बैटरी बैकअप है और इसकी कंडीशन देखें बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल क्लीन है, क्लीन बिल्कुल साफ, और देख सकते हैं हाथ लगाए निशान पड़े हैं इसके ऊपर। थूर भाई पसंद आया आपको? ये इसकी क्या है इसका बैटरी प्राइस क्या होगी भाई? 2900। और वैसे इसकी ऑफिशियली प्राइस क्या है? वैसे इसकी इसकी ऑफिशियल प्राइस वैसे क्या भाई? 7000 दिरहम का इसकी ऑफिशियल प्राइस है। और ये 18। सो गाइस वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड वन टच, ये मैक के सबसे बड़े सप्लायर हैं पूरे शारजा में, पूरी दुनिया के, बल्कि इनकी शिपमेंट आने वाली है। तो तहूर भाई क्या कह रहे थे भाई अंदर? मैंने जो इधर लैपटॉप देखा है और आई 2017 देखी है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ओल्ड वर्जन था। मैंने इनको कहा M1 M2, वो इनकी फ्राइडे वाले दिन शिपमेंट आनी है, तो फ्राइडे वाले दिन मैंने इनको ले लिया, इनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, तो फ्राइडे वाले दिन आएंगे और इनकी न्यू शिपमेंट का भी ब्लॉग शूट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम अपना वो मैच चलाएंगे। भाई क्या कहना है आपको, मज़ा आया? इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, वन टच पे ही नेक्स्ट व्लॉग होगा और लेटेस्ट मैक के साथ व्लॉग होगा। तो अब तक के लिए वीडियो के अंदर हमारा मैकबुक
मैकबुक का, मैकबुक ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। याद रखिएगा।